चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम इनका सिरसा पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और सबसे पहले यहां पर उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और हुड्डा साहब के साथ यहां पर पहुंची पूरी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, आप सभी का हमारी धार्मिक नगरी सिरसा में तहे दिल से स्वागत है जी। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का, कांग्रेस की सारी लीडरशिप का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे पे विश्वास जताया और मुझे कांग्रेस पार्टी की टिकट दी। हुड्डा साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप देखिएगा कि जिस प्रकार से आज पूरे देश और प्रदेश के अंदर एक मैसेज है कि सिरसा की सीट सबसे हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पे खर्चा हमारे अपोजिशन वाले बहुत करते हैं, लेकिन आपको विश्वास दिलाते हैं हुड्डा साहब कि ये हमारा परिवार है। ये आप देखना, जो लोगों ने हमारी धार्मिक नगरी सिरसा को बदनाम करने का काम किया है, जिन्होंने सिरसा के लोगों के माथे पे बिकाऊ का टैग लगाने का काम किया है, पिछली बार 600 की चूक रह गई थी, इस बार ऐसे लोगों को सरसा की जनता नाको चले चपवाने का काम करेगी। हुड्डा साहब से जिस दिन मैं मिला था, जब चर्चा हुई तो मैंने एक ही बात हुड्डा साहब के आगे रखी कि हुड्डा साहब हमारे, मैं एक बार अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि हमारी कुछ मांगे हैं सरसा की, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वाकई ये जुमला पार्टी बन के रह गई है। राष्ट्रपति से 3 बार नींव पत्थर तरवा लिया इन्होंने मेडिकल कॉलेज का, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज का उसके बाद कोई लेना नहीं देना नहीं। 10 साल की सरकार रही है, हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल जीरो है सर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा कोई मेडिकल हॉस्पिटल आए, उसके साथ साथ हमारी एक मोची वाली माइनर थी, वो आपके समय में उस समय पास कराई गई, उसके बाद संघर्ष किया गया, बीच में से रुक गई थी, लेकिन वो काम सिरे चढ़ गया था। अब जो सबसे बड़ी मांग है हमारी 2 माइनरों की, बनपुर माइनर और दिनतानिया माइनर सर, तो हमारे 13-14 गांव जो है वो पानी से त्रस्त हैं, तो हमें उम्मीद है कि उन गाँव के अंदर पानी सिर्फ आप लेके आ सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया पड़ता हुआ हमारा सरसा नशे की बड़े बुरी तरह से चपेट में है, हमारी नौजवान पीढ़ी दिन प्रतिदिन रोजगार ना होने करके नशे की शिकार बन रही है सर। और चौथी मांग जो है सबसे महत्वपूर्ण हमारे थेड़ मोहल्ले की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल वहां के लोगों को डरकाने का काम किया, लेकिन आज तक वो बात कभी सिरे नहीं चढ़ी। काफी साल हो गए सरसा वालों को सर, ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारा सरसा हरियाणा का हिस्सा है, इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। जब मैंने आपके आगे ये सारी बातें रखी तो आपने कहा मैं बैठा हूं तू चिंता ना कर, और मुझे इस चीज पे बड़ा, मेरे को खुशकिस्मती महसूस हुई और मुझे भी ये लगा कि सरकार आ रही है और अब जाके कहीं हमारे सिरसा के काम होंगे। उसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शहर के अंदर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है हर जगह, जिस करके बच्चे बीमार हो रहे हैं, परिवार बीमार हो रहे हैं, सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है। जनगणना के हिसाब से हमारे सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, जगह जगह कूड़े के सर ढेर लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा सर हमारे इलाके के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, आपसे अनुरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार आने पे आप घग्गर में लगवाने का काम करोगे, वहां के पोल्यूटेड वाटर करके आज हमारे इलाके में दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कैंसर की बीमारी फैल रही है। और मैं क्षमा चाहता हूं, कहीं आप सोचेंगे कि आते ही इसने मांगों का पिटारा खोल दिया, लेकिन सर 10 साल के अंदर इन्होंने वो दुर्गति हमारे इलाके की कर दी कि आपको बता नहीं सकते। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी भी दफ्तर के अंदर जाएं बहुत बुरा हाल है हर प्रकार से। तो बस
आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही अनुरोध है कि सरकार बनने पे हमारे सिरसा का ये काम आप जरूर करा के दीजिएगा। आपका हम सिरसा वाले बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर आपका हमारे सिरसा की धार्मिक भैया आपका एक बार फिर हमारे सिरसा की धार्मिक नगरी में पहुंचे पर बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद हुडा साहब यहाँ पर हमारे सरसाई नाथ मंदिर के अंदर माथा टेकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।